वेलकम टेम्पुटर गुरु। तो आज हम बात करेंगे ओ लेवल के जो एम एस वर्ड का आपका स्पेशल क्लासेस चल रही थी, आपके टोटल एम एस वर्ड की जो टॉपिक चल रहे थे, तो कल आपको एक वीडियो मिली थी। आज हम बात करने वाले हैं आगे के टॉपिक के बारे में। चलिए देखते हैं किस प्रकार के आगे के मेन्यू हैं जो कि आपको समझने हैं। अगर उन पर आपको क्वेश्चन बनते हैं तो किस प्रकार से आप प्रैक्टिकल, अगर आपको वहाँ पर करवाया जाता है तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो किस प्रकार से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं अपने प्रैक्टिकल के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। हमने कल दो मेन्यू की बात की थी, होम मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में, सारे मेन्यू समझे थे, और यहाँ पर जो आपको मेन्यू दिए गए हैं इसके बारे में समझा था। इसको कहते हैं हम लोग ऑफिस बटन। तो इसके बारे में तीन मेन्यू आपको कंप्लीट हो गए। अब आज बात करेंगे पेज लेआउट मेन्यू पे। तो एक एक पॉइंट पे देखते हैं क्या क्या काम है यहाँ पे। काफ़ी लंबा टॉपिक है आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे थीम दी गई है। तो इसके माध्यम से आप जो भी डिजाइन चाहते हैं, थीम आपका टेम्पलेट जैसे कि मोबाइल में देखते होंगे, एब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट, इस प्रकार की थीमें होती हैं, तो उसी प्रकार से इसमें भी आपको थीम मिलती है। अलग अलग नाम उनके हैं यहाँ पे, तो जो भी आप थीम लगाना चाहते हैं वो उस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपके उस पर थीम सेलेक्ट हो जाएगी। तो इनका बेसिकली वर्क आपका कब होता है, जब आप कोई डिजाइनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तब तो आपका ये काम करती हैं, वरना ये काम नहीं करेंगी। यहाँ से आप उन थीम में कलर लगा सकते हैं, इसमें कोई इफेक्ट डालना चाहते तो अभी इफेक्ट डाल सकते हैं, तो इसलिए आपकी बेसिकली ये थीम आपकी वर्क करती है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस किस प्रकार से ये काम आपकी करती है, और इसमें आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट भी इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये काम आपको करती है थीम। तो बेसिकली ये आपके कोर्स में है नहीं, इस पर क्वेश्चन आपको ज़्यादा बनते नहीं है, बस आपको ये समझना है मेन्यू आपको किस प्रकार से कार्य करती है और क्या चीज़ें हैं। तो ये आपकी बेसिकली थीम होती हैं, इनको आप अपने अपने वर्क पेज पे, अपने पेज पे लगाते हैं, और उसमें आपको कलर का ऑप्शन मिलता है, फॉन्ट का ऑप्शन मिलता है, और इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है, जिससे कि आपका जो कि ग्राफिकली होता है वो काफ़ी देखने में आपको अच्छा लगता है। तो ये आपका बेसिकली थीम वर्क करती है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो आपका थीम के बगल में ऑप्शन मिलता है इसको कहते हैं पेज सेटअप। इससे आपके पेज में जितने भी सेटिंग आप करना चाहते हैं अपने पेज में, इनमें आपको ऑप्शन मिलते हैं मार्जिन करना चाहते हैं, ओरिएंटेशन करना चाहते हैं यानी कि लैंडस्केप में या पोर्टलेट में, या इसका साइज या कॉलम, आप इनको दो तीन कॉलम में करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं वो इसमें आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें मार्जिन का है, जो कि सबसे पहले आपका नॉर्मल लगा हुआ, ये जो आपका डिफॉल्ट फॉन्ट लगा है, डिफॉल्ट जो आपका पैटर्न लगा है ये आपका नॉर्मल पे है। आप ये नैरो पे कर देंगे तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा, तो थोड़ा नैरो पे कर दिया तो आपका रूलर का साइज बढ़ गया। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी पतले हो गए फॉन्ट आपके, एक एक पैराग्राफ में आ गए और शेपिंग इनकी कम हो गई। तो बाय डिफॉल्ट करने के लिए होते हैं, इसमें आपको फिर एडिट नहीं करना पड़ता, यहाँ पे जाके आपको शेप का साइज वगैरह नहीं सेटअप करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट इसमें सेट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ टॉप में 0.5, लेफ्ट में 0.5, बॉटम में, तो ऑटोमेटिकली इसमें बाई डिफॉल्ट होते हैं। कस्टम करना चाहते हो तो यहाँ कस्टम पे भी आप जाके जितना साइज वगैरह करना चाहते हैं वो यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में उसी तरह से ऑप्शन में आपको नैरो का मिलता है, सारे ऑप्शन है, वाइट करना है तो इस प्रकार से वाइट हो गया। तो ये आपके मार्जिन, इसमें मार्जिन होती है आपकी जो ये इस जो आपका पेज है उसके साइड साइड टॉप बॉटम और टॉप में, ये आपके मार्जिन का काम करती है। तो ये आपका मार्जिन हो गया, देख लिया आपने किस प्रकार से कार्य करती है। ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, नॉर्मल पे आपको सेलेक्ट करना है। तो नॉर्मल पे आपका जो साइज रहता है, मान लीजिए क्वेश्चन बनता है तो टॉप में 1, लेफ्ट में 1, बॉटम में 1 और राइट में 1, आपका साइज बाय डिफॉल्ट जो आपको मिलता है नॉर्मल वो मिलता है। आगे चलते हैं, ओरिएंटेशन का ऑप्शन है। ओरिएंटेशन में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि आप प्रिंटर में प्रिंट करते होंगे तो वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि आपको पोर्ट्रेट पर निकालना है कि लैंडस्केप में। तो अभी जो आपका पेज सेटअप लगा हुआ है ये आपका पोर्ट्रेट मोड पे है, और इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका पेज वाइड हो जाएगा, लैंडस्केप मोड पे आ जाएगा। आप इसको जब प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे तो आपका पेज देख सकते हैं आप लैंडस्केप मोड पे प्रिंट होके आएगा। तो ये इसका बेनिफिट होता है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग पोर्ट्रेट पे ही सेलेक्ट कर देते हैं। तो ये आपका बेसिकली वर्क करता है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, दो ही ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं। आगे ऑप्शन है आपका साइज का ऑप्शन दिया है, इसमें आप कर सकते हैं कि आपका पेज जो होता है जैसे A4 साइज का होता है प्रिंट, जो आपका ये पेपर साइज है ये आपका A4 साइज का होता है, तो इसमें अगर आपको लेटर साइज करना है, लेटर स्मॉल या लेजर या जिस टाइप का आपको पेपर आपको प्रिंट करना है, पोर्टफोलियो बनानी, इनवेलप साइज का चाहिए, तो यहाँ पर तमाम सारे साइज आपको दिए जाते हैं। जिस भी साइज का आपको प्रिंट करना है वो साइज का आप सेटअप कर लेंगे तो वो आपका जो आपका पेज है वो उसी साइज का हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ किसी पे भी तो वो उसी साइज का हो जाएगा। तो A3 साइज का ये होगा, A4 का ये हो गया आपका बाय डिफॉल्ट जो होता है, तो इस पर आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तरह तरह के साइज है, ये आपका इनवेलप हो गया। अब इसको जब प्रिंट करेंगे तो आपका दो तरह से आएगा, फिर इसको आप इसमें ज्वाइंट कर सकते हैं। तो ये आपका इनवेलप, आप देखते हैं कि इनवेलप आपके बंद होते हैं इस प्रकार से,
तो अलग अलग नोट के नोट का आकार हो गया क्वार्टो, तो अलग अलग काम के लिए इसमें अलग अलग तरह के आकार इसमें दिए गए हैं और अलग अलग मशीन से ये आपके कार्य करते हैं अलग अलग प्रिंट में। तो ये आपका बेसिकली साइज है, अगर आपको जो साइज में प्रिंट करना है वो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कॉलम का। अभी जो आपका ये जो लिखा हुआ है ये आपका सिंगल कॉलम पे है, अगर आपको इसके दो कॉलम करने हैं, मान लीजिए आपको इसको डिवाइड करना है तो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे आपको जाना है टू कॉलम कर देंगे तो ये आपका जो भी लिखा हुआ टू कॉलम में आ गया इस प्रकार से। तो इसका बेनिफिट आपका क्या होता है, मान लीजिए आपका काफी टेक्स्ट जो काफी बड़ा है तो आपका दूसरे पन्ने में ना जाए, तो आप एक ही पन्ने में उसको टू कॉलम पे करके आप कर सकते हैं, इससे कि आपको रीड करने में आसानी होगी और आप आसानी से एक ही पन्ने में सारी चीज पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है थ्री कॉलम का, तो उन्हीं को और छोटा करना चाहते हैं तो थ्री कॉलम में आप इस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन मिलता है लेफ्ट में, यानी कि लेफ्ट में दो कॉलम आपको मिल जाएंगे इसमें, तो लेफ्ट में आपका लेफ्ट से आपका लिखना स्टार्ट होगा और वो आगे तक जाएगा। इस प्रकार से आप उसको लेफ्ट में कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, इस प्रकार से अगर टाइप करेंगे तो आपका लेफ्ट में टाइप होगा। और उसी प्रकार से ऑप्शन मिलता है राइट में, तो अगर आप इधर से टाइप करना चाहते हैं तो आपका इधर से टाइप होना स्टार्ट होगा और वो नीचे आपका कंटिन्यू चलता चला जाएगा। तो ये था आपका, इसको कहते हैं कॉलम, जिसमें कि आप लेफ्ट राइट और टू और थ्री कॉलम में आप कंबाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे ऑप्शन मिलता है आपको इसी में पेज सेटअप में, इसमें आपको पेज ब्रेक का ऑप्शन मिलता है, कॉलम ब्रेक का ऑप्शन मिलता है, टेक्स्ट ब्रेक, नेक्स्ट टैब, कॉन्टेशन, तो सारे ऑप्शन यहाँ मिलते हैं। तो एक एक ऑप्शन को देखते हैं किस प्रकार से आप काम करते हैं। अब मान लीजिए आपको पेज ब्रेक करना है, यहाँ पे अभी ऑलरेडी दो पेज लगे हुए हैं, अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो सिंपल सा आप ये तरीका है, यहाँ पे जाएं और पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे तो आपका पेज इस प्रकार से ब्रेक हो गया। आप देख सकते हैं अब आपके तीन पेज यहाँ पे हो गए हैं। तो अगर आपको पेज को ब्रेक करना है तो इस पर क्लिक करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपके पेज जनरेट होते जाएंगे। तो इस प्रकार से आप पेज जनरेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्टेटस आपको चलता रहता है, आपके 6 पेज जनरेट हो गए हैं और आपका पहले नंबर पे आप अभी काम कर रहे हैं, कितने वर्ड हैं आपके 380 वर्ड अभी आप इसमें टाइप किए हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको सारे यहाँ पे दिखा देता है स्टेटस बार में। उसके बाद लाइन नंबर है नन, कंटिन्यू, रिस्टार्ट, तो अगर लाइन नंबर आपको डालनी है इनकी तो आपने लाइन नंबर पर क्लिक कर दिया, ऑटोमेटिकली जितने भी आप लिखते चले जाएंगे वो उसके आगे आपकी लाइन नंबर ऐड होती जाएगी। रिस्टार्ट ईच पेज, तो रिस्टार्ट ईच पेज यहाँ से हो जाएगा, रिस्टार्ट ईच सेक्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको लाइन नंबर के लिए, तो यहाँ से आप लाइन नंबर दे सकते हैं। उसके बाद है हाइफनेशन, यहाँ पे है ऑटोमेटिक क्लिक कर देंगे तो हाइफनेशन आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा एक्टिवेट। बेसिकली होता कुछ नहीं इससे ज़्यादा, मैनुअली आप यहाँ से करना चाहते हैं तो मैनुअली भी आप कर सकते हैं, तो कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें डिफरेंट नहीं है और ये आपका कोर्स में भी नहीं है। अब बात करते हैं आगे पेज बैकग्राउंड के ऑप्शन पे चलते हैं और इसमें देखते हैं वाटरमार्क है। तो मान लीजिए अगर आप कोई लेटर लिखते हैं उसमें आपको, या कोई पीडीएफ बनाते हैं यहाँ से, तो आपको लगाना है वाटरमार्क लगाना है, जिससे कि आपका वो कोई चीज़ कॉपी ना कर पाए। तो वो किस प्रकार से करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंटल टू, डू नॉट कॉपी वन, डू नॉट कॉपी, तो अलग अलग फॉर्मेट मिलते हैं कि आपको इस प्रकार से लिखना है कि तिरछे में लिखना है कि इस प्रकार से। तो यहाँ से आप कस्टम बना सकते हैं, अगर आपको अपने किसी कंपनी का नाम बनाना है, तो मान लीजिए मैं अपना बना कर दिखा देता हूँ टेक वीडियो नाम से, तो किस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो अगर आपको पिक्चर लगानी तो पिक्चर के ऑप्शन पे आ जाएंगे, नहीं तो आपको टेक्स्ट लगाना है तो यहाँ पे जाके, यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना है टेक वीडियो गुरु। इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए रेड लगाना चाहते हो रेड कर दें, और किस प्रकार से लगेगा, डायगोनल लगेगा, हॉरिजेंटल लगेगा, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो डायगोनल कर देते हैं। और साइज यहाँ पे ऑटो रहे आप 90 कर सकते हैं, ओके पे क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं टेक वीडियो गुरु इस प्रकार से आपका वाटरमार्क के रूप में आ जाएगा। उसको प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देखेंगे तो इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा, जब भी आप प्रिंट करेंगे तो इसको कोई कॉपी नहीं कर पाएगा क्योंकि आपका होलोग्राम इसमें वाटरमार्क आपका इसमें लगा हुआ है। रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपका वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप वाटरमार्क यहाँ लगा सकते हैं आसानी से, और बाय डिफॉल्ट लगाना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली डू नॉट कॉपी यहाँ पे लग जाएगा। आगे चलते हैं पेज कलर, अगर मान लीजिए आपका पेज आपका व्हाइट होता है, आपको कलर पेज निकालना है, तो आपको प्रिंटर में जाकर सेटिंग करने की जरूरत नहीं कि आपको पेज में, आप अपने पेज को कलर वाइज सेव कर लें, जो भी कलर में आप सेव करेंगे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको, जो भी कलर पर क्लिक करेंगे वो इस प्रकार से आपका पेज है वो आपका पेज में कलर हो जाएगा। मान लीजिए आपने ये कलर चुना तो इस प्रकार से आपका पेज कलर हो गया। अब आप इसमें आसानी से कुछ भी जाके सेटिंग आप कर सकते हैं और इसको प्रिंट कर सकते हैं, जो भी कलर आप लगा देंगे वो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपका उसी तरह से प्रिंट होके आएगा। अब यहाँ पे आपको व्हाइट दिखा रहा है, तो
लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे तो आपका वो येलो आ जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे बगल में, आप देख रहे हैं पेज बॉर्डर का, तो इसमें आपको बॉर्डर लगाना है। मान लीजिए आपको डिजाइन देनी है, कुछ इमेज लगाने है, कुछ टेक्स्ट लगाना है या कुछ बुलेट लगाने है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। तो मान लीजिए 3D का ऑप्शन, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे सारे ऑप्शन नन है, तो यहाँ से इस प्रकार से बॉर्डर लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप अगर आप कोई लेटर वगैरह या रिज्यूम तैयार कर रहे हैं उसके लिए बॉर्डर आपको बनाना है, तो वो यहाँ से आप डबल लाइन सिंगल लाइन जैसा भी चाहते हैं वो यहाँ से आप बॉर्डर को डिजाइन कर सकते हैं, शेडो दे सकते हैं बॉर्डर में। तो इस प्रकार से शेडो आ गई बॉर्डर की, आप दे सकते हैं पीछे। और 3D का ऑप्शन है तो 3D के ऑप्शन चलेंगे तो यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे, कलर मिल जाएगा, आर्ट मिल जाएंगे। इस प्रकार मान लीजिए आर्ट लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप इसको बॉर्डर जनरेट कर सकते हैं। कस्टम बनाना चाहते हो तो कस्टम पे जाके आप कस्टम बॉर्डर, अपना खुद का बॉर्डर डिजाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इनका वर्क होता है और काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसको आप सीख सकते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो ये था आपका पेज बैकग्राउंड में, तीन ऑप्शन मिलते हैं आपको, वाटर मार्क, वाटर कलर और पेज का बॉर्डर। तो इस प्रकार से आप बॉर्डर वगैरह सेट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको इंडेक्स का, कि आपको इंडेक्स कहाँ लिखना है। तो मान लीजिए आपको इस प्रकार से आपको लेफ्ट में करना है, तो आपने वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया पैराग्राफ को, वो आपका पूरा लेफ्ट में चलता चला जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से आपका होगा, ये जगह आपकी खाली हो गई, यहाँ पे आप अपना कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना इमेज सेट कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिकली वर्क होता है। आगे चलते हैं तो ये वही ऑप्शन नीचे आपका दिया गया है, राइट में है, तो उसको आपको राइट में करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आपने राइट में कर दिया, वो चीज़ आपकी राइट में आ जाएगी। माइनस में करा या प्लस में जैसे करेंगे वो उसी प्रकार से सेटअप आपका कर देगा। उसके बाद है पैराग्राफ का ऑप्शन है, उसके बाद शेपिंग अगर आपको करनी है इनके बीच में, तो इस प्रकार से आप शेपिंग कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। और आफ्टर मान लीजिए इसके बाद करना चाहते हैं या किसी एक लाइन के बात करना चाहते हैं, इसके बाद करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लें और उसके बाद आप फिर उसको ऊपर नीचे शेपिंग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस प्रकार से आपके वर्क करती है। अब आगे चलते हैं, आगे जो ऑप्शन मिलते हैं आपको, ये ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन जो है पोजीशन ब्रिंग टू फ्रंट, ये आपके इमेज पे काम करते हैं। अगर आप कोई इमेज सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए आपने कोई इंसर्ट कराया, यहाँ से शेप इंसर्ट कराया, तो मान लीजिए आपने शेप यहाँ पे इंसर्ट करा दिया, अब ये आपके ऑप्शन जो है रिप्शन वाले ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पोजीशन का ऑप्शन हो गया, इस प्रकार से आपने पोजीशन सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे आपको इमेज लगाना है। अब यहाँ पे ऑप्शन, इसका मतलब ये है मान लीजिए आपको यहाँ कोई इमेज लगा है, इसके पीछे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, मान लीजिए इस प्रकार से हो गया, तो इसके पीछे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ तो उसको आपको ब्रिंग टू फ्रंट करना है, आगे करना है, और आपको इमेज जो है आपको पीछे करना है, तो वो इसलिए आपका बेसिकली वर्क करता है। तो इस प्रकार से कलर हो गया, मान लीजिए इसमें आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो ऐड टेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से आप इसमें कोई भी टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, इसको कहीं भी आप उठा के सेटअप कर सकते हैं जहाँ भी आप करना चाहते हैं। और रेफरेंस पे जाते हैं, सॉरी पेज लेआउट पे, और यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू रैप मोड में करना है, तो रैप मोड में जिस मोड में आप करना चाहते हैं, बिहाइंड टू टेक्स्ट, तो इस प्रकार से आप उसको सेटअप कर सकते हैं। ये तभी आपका काम करेगा जब आपको इमेज लगाएंगे। अलाइनमेंट करना है, राइट में करना है, किस प्रकार से करना है, तो वही ऑप्शन है आपको, है सेम जो आप माउस से करते हैं वही काम आपको इसमें मिलता है, कि आप अपने माउस से कर सकते हैं, यहाँ पे जो मेन्यू दिए गए हैं उनके माध्यम से कर सकते हैं अगर आपको चलाना नहीं आता है। तो इस प्रकार से आपका ये मेन्यू वर्क करता है इमेज के साथ। तो सेम वही चीज़ है, इसमें रोटेट वगैरह का ऑप्शन भी, इसको घुमाना चाहते हैं तो आप उसको घुमा भी सकते हैं इस प्रकार से। तो ये था आपका पूरा मेन्यू, मैंने समझा दिया आपको पेज लेआउट के बारे में, पूरे ऑप्शन आपको तो बता दिए किस प्रकार काम करते हैं, करके दिखा दिया आपको। अगर आपको कभी पूछा जाए तो इनको आप बेसिकली प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रेफरेंस का। तो रेफरेंस मतलब आपका एक प्रकार से मेलिंग में आपका आ जाता है रेफरेंस के रूप में। तो इसमें बेसिकली आपका कार्य क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपका बेसिकली टेक्स्ट पे काम करता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसमें टेबल ऑफ कंटेंट, अगर आप कोई टेबल बनाना चाहते हैं, जैसे इंडेक्स आपके किसी बुक में होता है पहला पेज, तो उसमें पूरे टेबल के कंटेंट होते हैं, तो वो अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाने हैं वो यहाँ से आप इसको बना सकते हैं। इस पर बेसिकली आपको जाना है, जो भी आपको टेबल चाहिए उस पर क्लिक कर देना है और वो ऑटोमेटिकली कंटेंट इस प्रकार से आपको जनरेट करके देगी और इसमें आप फिर अपने टेबल को बना सकते हैं। तो ये आपके कंटेंट इसी के अंदर काम करती है। इसको हटाना है तो रिमूव टेबल पर क्लिक कर देंगे, आपकी टेबल जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो ये आपका टेबल का काम है। अगर आपको कोई टेक्स्ट ऐड करना है, इस प्रकार से टेक्स्ट के लेवल को चेंज करना है, तो इस प्रकार से आप टेबल के टेक्स्ट को लेवल चेंज कर सकते हैं।
सिंपल सा, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। अपडेट टेबल यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। इंसर्ट फुट नोट, अगर आपको हेड नोट फुट नोट ऐड करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इस प्रकार से। यहाँ पे अगर आप फुट नोट आप देखते होंगे बुक के अंदर, यहाँ पे लिखा रहता है इस प्रकार से, तो यहाँ पे आप फुट नोट दे सकते हैं, तो सभी पेजों में आपका ये फुट नोट यहाँ पे ऐड हो जाता है। इंसर्ट आपको एंड नोट करना है तो यहाँ पे एंड नोट हो जाएगा। इंसर्ट नेक्स्ट फुट नोट, सो नोट्स, अगर कोई नोट्स ऐड कराना है आपको तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए, सिंपल से ऑप्शन है ये। आपको एंड नोट और फुट नोट जो आपसे पूछा जाता है पेपर में, वो यहाँ पे है आपका, वो किस प्रकार से आपका काम करता है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आप लगा के इसमें कोई भी अपना पैराग्राफ टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ऐड करने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पे फिर सेप लेंगे, वो लेंगे, आपको सिर्फ सिंपल सा इस ऑप्शन पर जाना है। और मान ली इस पेज पे तो इंसर्ट आपने करा दिया, अब यहाँ पे आपका ऐड हो गया, अब यहाँ पे आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली वर्क करता है एंड नोट और फुट नोट। आगे चलते हैं, इसमें मैंने सोर्सेज के ऑप्शन है, तो जो कोर्स में होगा वही मैं समझाऊंगा। ये आपके मतलब का नहीं है, बायोग्राफी वगैरह है, तो इस प्रकार से जिस पे आप क्लिक करते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं कि आपका ये कंप्यूटर खराब हो जाएगा या आपका फंक्शन नहीं वर्क करेगा, उसके लिए आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप चेक करके देखें। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, अगर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर आपको ऐड करनी है इस प्रकार से, तो इस प्रकार से टेबल के रूप में आपकी हो जाएगी। और इसको क्रॉस रेफरेंस में करना है, नंबर वगैरह आइटम में, बुक मार्क वगैरह में फुट नोट लगाना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से आप इसको इंसर्ट करा सकते हैं। तो सारे ऑप्शन आपको इसी में मिलते हैं। जैसा भी आप, अगर आपको लगा होगा तभी वो वर्क करेगा वो चीज़, वरना आपका वर्क नहीं करेगा। इंसर्ट इंडेक्स का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको कैप्शन में, और ये स्टाइल वगैरह है सेम है वही, इसमें कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। स्टाइल वगैरह आपकी दी गई, जो भी स्टाइल पे आप लगाना चाहते हैं वो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। इंसर्ट इंडेक्स है वही मैंने बता दिया आपको। उसके बाद मार्क्स सिटीजनशिप है, तो ये कोई ज़्यादा खास नहीं है आपके लिए, आपको सिलेबस में भी नहीं है। तो बेसिकली आपके जो मेन इंपॉर्टेंट मेन्यू है, होम मेन्यू है, इंसर्ट है, पेज लेआउट और रेफरेंस में आपके बहुत कम है, और मेलिंग में आपको मिल जाता है इनवेलप वगैरह। आपको आप प्रिंट करना है तो मेलिंग पे चलते हैं, यहाँ पे इनवेलप वगैरह का ऑप्शन मिलता है, आप इनवेलप कर सकते हैं, लेबल आप लगा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप वगैरह ईमेल वगैरह का ऑप्शन, अगर आपको इसको पूरा ईमेल भेजना है तो मेल मर्ज के ऑप्शन पर जाके जितने भी आपने सेलेक्ट किए होंगे, अगर आपकी लिस्ट बनी होगी आपके कॉन्टैक्ट की, अगर नहीं बनी तो यहाँ पर जाके अपना कॉन्टैक्ट शेयर करें, नो एंट्री पे नाम डालें और उनका एड्रेस डालें और ईमेल एड्रेस डालें, ओके कर दें, और ऑटोमेटिकली एक साथ आप 50 लोगों को ईमेल यहाँ से भेज सकते हैं। तो बेसिकली आपका ये मेलिंग का काम यहाँ से करता है मेल मर्ज। आगे चलते हैं, उसके बाद ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे लेटर का, तो लेटर पे आप आ गए वापस। मेल मैच पे करना है तो ईमेल पे जाके इनवेलप जाके सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आप अपना ऐड करा सकते हैं अपने पार्टनर का नाम, यानी कि जिसको आपको मेल भेजना है। तो ये मेल मेल मर्ज का ऑप्शन है, मेलिंग का ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन लॉक हैं। वही चीज़ें आपकी, जब आप मेल पे मेलिंग पे जाएंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको रिव्यू का, इसमें आप स्पेलिंग चेक, मान लीजिए कोई आपने गलत स्पेलिंग लिख ली है, टाइगर की स्पेलिंग TIGR ही कर दी है, तो उसको टाइगर आपको करना है, तो ये आपके इस प्रकार से। तो इसको अगर आपको स्पेलिंग चेक करनी है तो इस पर आप राइट क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आप स्पेलिंग पे जाएंगे ऑप्शन पे, तो वहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं। अगर वो सपोर्ट कर रहे हो कि वो अगर उसमें सेव होगी स्पेलिंग तो ही ये आपकी काम करती है, तो स्पेलिंग चेक पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ मिस्टेक होगी वो वहाँ से आप उसको एरर को ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर कोई नया शब्द होगा, मान लीजिए वो शब्द इसमें है ही नहीं आपकी डिक्शनरी में और उसको आपको सही करना है, तो फिर यहाँ पे इग्नोर कर दें, या फिर उसको ऐड कर लें अपने स्पेलिंग बॉक्स में। वहाँ से अगर ऐड कर लेंगे तो आपका वर्ड, जब भी आप वो वर्ड टाइप करेंगे तो आपका कभी आपका एरर नहीं पूछेगा। आगे चलते हैं, आगे आपका रिसर्च का ऑप्शन मिलता है, टीजर का ऑप्शन है, तो ये आपके बेसिकली इंटरनेट से काम करते हैं, इंटरनेट कनेक्ट करके इसमें आप इसमें वर्क कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन का ऑप्शन है, बाकी ये ऑप्शन मेल आपके कमेंट वगैरह ऐड करने हैं उसके लिए आपके ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट, तो रिव्यू का ऑप्शन में इतना ही था, मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो अब ऑप्शन पे चलते हैं व्यू मेन्यू के ऑप्शन में, तो व्यू मेन्यू आपके वही है जो यहाँ पे आपके मेन्यू होते हैं, वही आपको मेन्यू के रूप में मिलेंगे। अगर आपके ये फंक्शन काम नहीं कर रहा है तो आप व्यू मेन्यू पे जाके प्रिंट लेआउट, रीडिंग लेआउट, यहाँ से सारे ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, वही ऑप्शन जो यहाँ पे आपको मिलते हैं। उसके बाद यहाँ रूलर लगा, रूलर को यहाँ से आप बंद कर सकते हैं, यहाँ से आप खिसका सकते हैं, मान लीजिए आपको फोन का साइज इस साइड में एकदम लिखना है इसको, तो जिस पे भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका साइज में आ जाएगा इस प्रकार से।
तो ये रूलर का आपका काम होता है। अगर आपको इसको ऊपर लिखना है, यहाँ पे लिखना है, तो इसके लिए यहाँ से आप किसका कि अपने पेज को ऊपर ले जाएंगे, तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो ऊपर साइड में चला जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें कार्य करते हैं। तो जैसे आपको रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप करके प्रैक्टिकल वहाँ पे दिखा सकते हैं। और इस पे थ्योरी अगर आती है तो थ्योरी आप जैसे जैसे प्रैक्टिकल करते हैं वैसे स्टेप बाय स्टेप आप उसको लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट मैप के रूप में लिखना है तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैप का ऑप्शन खुल जाएगा, और यहाँ पे आप फिर डॉक्यूमेंट या थंबनेल के रूप में इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि आप पावर पॉइंट में यूज करते हैं। इसको बंद कर देते हैं। यहाँ से ग्रेडियंट देखना है तो ग्रेडियंट के रूप में इस प्रकार से आप ग्रेडियंट के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद जूम करने का ऑप्शन है, यहाँ पे जूम कर सकते हैं जैसा जूम करना चाहते हैं अपने पेज को। वन पेज, टू पेज करना चाहते हैं टू पेज पे करके आप इस प्रकार से टाइप कर सकते हैं, यानी कि आपके जो नीचे वाले पेज है वो टू पेज में हो जाएंगे, जिससे कि आपको देखने में आसानी होगी। उसके बाद पेज विड्थ बढ़ानी है तो पेज विड्थ बढ़ा के आप इस प्रकार से यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं किस प्रकार से आपको काम करना है, उस प्रकार से आप उसमें काम कर सकते हैं। तो आपने 100 पे क्लिक कर दिया, 100 पे आपका एक पेज आ गया। तो यही है, इसमें बेसिकली स्प्लिट करना है अगर आपको कोई चीज, तो यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ से आप रूलर यहाँ पे लगा दिया आपने, इसके बाद यहाँ से आप लिखेंगे तो यहाँ से आपका लिखना टाइप होगा और बाकी ऊपर आपका वही चीज टाइप होता जाएगा। तो इस प्रकार से स्प्लिट करके रूलर को सेटअप आप करके लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक आपका आज का, कि किस प्रकार से इसको कार्य करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेन्यू। तो मैंने सारे ऑप्शन भी इसके भी बता दिए रिव्यू के, कोई ज़्यादा कठिन नहीं, सेम वही ऑप्शन है। उसके बाद लास्ट में आपको एडिंग्स में एक ऑप्शन मिलता है, जो कि मिलता है ऑप्शन पीडीएफ का। अगर आपको आपने एमएस वर्ड पर कुछ टाइप किया, आपको पीडीएफ में ले जाना है, क्योंकि पीडीएफ आप जो एडोब एडिटर पे आपको मिलती है, एक्रोब एडिटर पे, वो आपकी एडिट नहीं होती है। तो अगर आपको कुछ आपने टाइप किया यहाँ पे उसको पीडीएफ पे बनाना है, तो सिंपल सा इस पे पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे, जो भी आपने आप इमेज या टेक्स्ट जो भी कुछ बनाया होगा वो आपका यहाँ से पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आपको ये फीचर मिलता है, आप यहाँ पे जाकर डॉक्यूमेंट पे इसको सेव कर देंगे, डॉक्यूमेंट में जाके फोल्डर में, तो आपका जो फाइल होगी वो पीडीएफ के रूप में डॉक्यूमेंट वन नाम से सेव हो जाएगी। जिसको जब आप ओपन करेंगे, अभी बाय डिफॉल्ट आपके सामने ओपन होके आएगी, आप इसको देख सकते हैं किस प्रकार से आपकी ये जनरेट होती है। तो काफी अच्छे फीचर हैं, इस प्रकार से आपकी पीडीएफ बन के आ गई, जो आपने टाइप किया था बॉर्डर वगैरह सब कुछ लगा हुआ उसी प्रकार से। तो यहाँ से आप अपनी पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो ये था आपका पूरा एमएस वर्ड का टॉपिक, मैंने आपको कवर कर दिया, एक एक मेन्यू के बारे में चल समझा दिया, प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट बताया इसका। आपका अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में करते हैं तो आपका 6 महीने का यही कोर्स होता है, इसके लिए आपसे 4 से 5 हज़ार, 10 हज़ार रुपये आपकी फीस मांगी जाती है। मैंने आपको हाईलाइट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, जल्दी जल्दी समझा दिया कि किस प्रकार से इनका यूज़ होता है, एक एक चीज़ का करके बता दिया। फिर भी अगर आपको फ्यूचर में कोई डाउट हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं किसी भी मेन्यू के बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे अदर किसी सॉफ्टवेयर की, जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।